हेलो एवरीवन, सो आज मैं आप लोग के लेकर आई हूँ मॉनसून स्पेशल डाइट प्लान। तो गणपति बाप्पा का नाम लेकर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और अगर अभी तक से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लेना। तो दिन की शुरुआत हम करेंगे मॉर्निंग ड्रिंक से, जिसको बनाना बहुत ही ईजी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सॉस पैन में 1 से 1.5 ग्लास वाटर ऐड कर लिया है। देन 1 चम्मच जीरा ऐड कर लेंगे, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, अगर आप कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक लेते हो तो आपको उसको कंटिन्यूसली 15 डेज लेना है, और उसके बाद आपको अपनी मॉर्निंग ड्रिंक चेंज करनी है। ओवरनाइट इसको कवर करके रख देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग इसको अच्छे से बॉईल करके 5 से 6 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। एंड देन हमको इसको स्ट्रेन कर लेना है। एंड आवर मॉर्निंग ड्रिंक इज रेडी। मॉर्निंग ड्रिंक के बाद हम लेंगे 5 सोक्ड डायमंड्स। सो गाइस, आपको बादाम को भी ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको पील रिमूव करके खाना है, बिकॉज पील में फाइटिक एसिड होता है जो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन रेट के साथ इंटरफेयर करता है। उसके बाद हम लेंगे ब्रेकफास्ट। सो गाइस, जितना हो सके गर्म ब्रेकफास्ट खाने की कोशिश कीजिए। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, पहले तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यानी बहुत ही डिलीशियस बनती है। इस रेसिपी का नाम है मिस्सी रोटी। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 बॉल बेसन ऐड कर लिया है। देन 1/2 बॉल हम यहाँ पे गेहूं का आटा ऐड कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। देन थोड़ी सी हरी मिर्ची, उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। अब थोड़े से मसाले डाल देंगे, तो थोड़ा सा नमक, लाल मिर्ची पाउडर एंड थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। अब थोड़ा सा वाटर ऐड करके इनका अच्छा सा डो बना देंगे। देन इसको बेल देंगे जैसे हम नॉर्मली रोटी को बेलते हैं। गाइस, वैसे तो बेसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी मेंटेन करता है। बट जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको बेसन को मॉडरेशन में इंक्लूड करना है, काफ़ी लोगों को बेसन सूट नहीं करता है, सो मॉडरेशन में आपको इंक्लूड करना चाहिए। तवे पे दोनों साइड से कुक कर लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देंगे। एंड अवर मिस्सी रोटी इज रेडी। ब्रेकफास्ट के बाद हम लेंगे मिड मॉर्निंग मील, यानी ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच वाला मील। तो आज हम ले रहे हैं वेजिटेबल जूस। तो उसको बनाना बहुत ही सिंपल है। एक ब्लेंडर में हमने यहाँ पे थोड़ी सी पालक, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा करी पत्ता, बीट रूट एंड थोड़ा सा टमाटर ऐड कर लेंगे। एंड देन कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा वाटर ऐड कर लिया है, एंड इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एंड आवर वेजिटेबल जूस इज रेडी। इसी के साथ आपको 2 डेट्स खाने हैं, यानी कि खजूर। अगर आपको वेजिटेबल जूस नहीं पीना है तो आप इसकी जगह पे कोई भी एक फ्रूट खा सकते हो। लंच के 30 मिनट्स पहले आपको 1 चम्मच सोक्ड चिया सीड्स वाटर पीना है। इसकी जगह पे आप सोक्ड बेजल सीड्स वाटर भी पी सकते हो। नाउ इट्स लंच टाइम। तो लंच में हम लेंगे प्रोटीन एंड फाइबर रिच स्प्राउट पनीर चाट, जिसको बनाने में हार्डली 5 से 6 मिनट लगते हैं। एंड ये बहुत ही यमी रेसिपी, आप इसको जरूर ट्राई करना। तो सबसे पहले एक बॉल में हमने यहाँ पे थोड़े से स्प्राउटेड मूंग ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी खीरा काकड़ी, टमाटर एंड थोड़ा सा प्याज ऐड कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 50 ग्राम्स पनीर ऐड कर लिया है। अब ऊपर से थोड़े से मसाले डाल देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, जीरा पाउडर एंड लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। देन ऊपर से थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करके हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड आवर स्प्राउट पनीर चाट इज रेडी। देन इवनिंग स्नैक में हम लेंगे रोस्टेड चना। तो यहाँ पे मैंने 30 ग्राम्स रोस्टेड चना लिए हैं। इसमें ऑलमोस्ट 120 टू 130 कैलोरीज होती हैं। अगर आप रोस्टेड चना नहीं लेना चाहते हो तो आप रोस्टेड मखाना ले सकते हो। इसी के साथ आपको ग्रीन टी भी लेनी है। नाउ इट्स डिनर टाइम। तो डिनर में हम लेंगे मशरूम टिक्का। तो उसके लिए एक बॉल में हमने यहाँ पे थोड़ी सी दही, बेसन, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्ची पाउडर एंड थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। ऊपर से थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करके हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, ये सेम रेसिपी है जैसे हम पनीर टिक्का की बनाते हैं। देन थोड़े से मशरूम्स, अनियन एंड कैप्सिकम ऐड करके हम इनको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आफ्टर 30 टू 40 मिनट्स एक तवे पे थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करके इनको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। एंड आवर मशरूम टिक्का इज रेडी। सो गाइज, ये था हमारा मॉनसून स्पेशल डाइट प्लान। अगर आपको इस प्लान के रिलेटेड कहीं पे कोई भी सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।